हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर के लिए मैंने क्या क्या स्किन और हेयर प्रोडक्ट लिया है और आपको क्यों लेना चाहिए, ये भी मैं साथ में आपको बताते जाऊंगी मैंने किस लिए लिया है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो भी प्रोडक्ट है मैंने लिया हुआ है अमेजोन से और अमेजोन पे चल रही है सेल, तो आप जाके चेक कर सकते हो। सेल में ही हमेशा लेना, आपके पैसे बचते हैं, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि विंटर आ चुका है, ठंडी लगने लगी है, छठ पूजा से तो पूरा ठंडा पड़ चुका है, तो इसके लिए इससे पहले ही मैंने ये सारे प्रोडक्ट मंगा लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी लोशन। तो वन एंड ओनली मैं हमेशा यूज करती हूँ, लाइक पसंद है मुझे यूज करना, वैसलीन का बॉडी लोशन, ये वाला मैंने लिया हुआ है। अभी अगर आप परचेस करते हो तो आपको ये सारे प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो ये है, मैंने लिया हुआ है, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है बॉडी लोशन, ये वैसलीन का, जिसको तो यूज करना मस्ट है। ऐसे मैं दो चीज यूज करती हूँ, एक सरसों का तेल और एक बॉडी लोशन, मतलब ये वाला। ओके, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लिप बाम। और लिप बाम मुझे ऐसे चाहिए था जिसमें थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश यू नो लिप भी लगे, और अपना लिप बाम का काम तो करना ही है, तो ऐसा पिंक वाला जो लुक है ना, वो मैंने बहुत तरीके का यूज किया है, लेकिन वो अजीब सा पिंक आ जाता है जो अच्छा नहीं दिखता। इस बार मैंने जो लिया है बिल्कुल परफेक्ट पिंक मेरे मुझे लगा है, जो कि मैंने लिया हुआ है लैक्मी का लिप लव, ये वाला। और ये आपको अफोर्डेबल 120 रुपीज में मैंने ये दोनों लिया हुआ है, लाइक इसमें दो पीस, एक मेरे पर्स में आप देख सकते हो यूज कर रही हूँ, और एक न्यू रखा है, अभी नहीं यूज करूंगी इसको, मैं बाद में यूज करूंगी, मतलब बाद में लगभग 2-3 महीने बाद, क्योंकि लिप बाम ऐसी चीज है ना, मुझे 365 दिन लगते हैं, मेरे लिप्स बहुत क्रैक होते हैं, तो मुझे हमेशा लगता है, इसलिए मैंने दो एक साथ ही मंगवाया है। तो दो मुझे 120 रुपीज मिला है, ये अफोर्डेबल के साथ में बहुत अच्छा यू नो एक मतलब अलग सा शाइन देता है फेस में, ग्लॉसी लिप देता है और पिंक तो रहता ही है। तो ये था मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट की बात मैं करूं तो विंटर में काफी लोगों के हेयर ड्राई फील होते हैं कि नहीं मुझे बताना, जिनकी भी हेयर ड्राई फील होती है ना, तो सबसे पहले तो आप हेयर वॉश करने से पहले 1 घंटे पहले आप ऑयलिंग करोगे अच्छे से, 1 घंटे ही रखना, आप एक रात रखने की भी जरूरत नहीं है, 1 घंटे रखो, इसके बाद आप शैम्पू करो, कोई भी हेयर जो भी आपको शैम्पू सूट करता है वो करो। इसके बाद कंडीशनर की जगह में आप लगा सकते हो स्ट्रिक्स का मास्क, जैसे कंडीशनर यूज करते हैं सेम तरीका है मास्क को यूज करने का। और ये स्ट्रिक्स का मास्क मुझे, मैं लगभग 5 साल से यूज कर रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रेटनिंग करवाया था तब से लेके मैं अभी तक यही यूज कर रही हूँ। तो ये है स्ट्रिक्स का मास्क, इसको लगाने से आपकी जो हेयर है वो ड्राई नहीं लगेगी, प्लस आपका साथ साथ स्पा भी हो जाएगा, आपको यू नो हर सप्ताह हर महीना स्पा करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये यूज करोगे। तो आपको इसको यूज करने का तरीका बता देती हूँ, आप हेयर वॉश कर लोगे ठीक है, आपका आपके बाल जब गीले रहेंगे, मतलब आप जब वॉशरूम में ही हो, बाथरूम में ही हो, तभी आपको गीले बालों में ही कंडीशनर की तरह थोड़ा सा लेना है, आपको अपने लेंथ में सिर्फ अप्लाई करना है, स्कैल्प में नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ लेंथ में अप्लाई करना है, 1 मिनट वेट करना है, उसके बाद हेयर को वॉश कर लेना है वाटर से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। याद रहे आपको स्कैल्प में यूज नहीं करना है, एज अ कंडीशनर यूज करना है, कंडीशनर हमें हमेशा लेंथ में जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जब बाल बढ़ता है ना तो लेंथ ड्राई होने लगता है, क्योंकि जड़ से हमारा जो बाल है उसकी दूरी बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ने की वजह से हेयर ड्राई हो जाता है, इस वजह से आपको मास्क यूज करना है। तो इसको यूज करने का तरीका मैंने बता दिया, आप इसको यूज करोगे ना आपके जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे जाने लगेंगे, और आपके हेयर आपको बहुत स्मूथ फील होगी, फर्स्ट वॉश में स्मूथ फील होगी। तो ये था, यही है स्ट्रिक्स का रिपेयर मास्क, आप ये वाला ले सकते हो। तो मैंने लिया, मेरा खत्म हो गया था, मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगा लिया। अब मैं आपको बात करती हूँ स्किन केयर की, मैं पहले से बहुत डल हो गई हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ी सी डल हो गई हूँ, इसके लिए अब मेरी शादी को भी बहुत वक्त नहीं रह गया है, तो मुझे अभी अपनी स्किन की थोड़ी केयर करनी होगी क्योंकि फिर बोलते हैं थोड़ा पानी चेंज होने के बाद भी प्रॉब्लम होता है, तो पानी चेंज होगा तब भी मुझे प्रॉब्लम होगा, तो इससे अच्छा मैं अभी से अपनी केयर करना स्टार्ट कर दूँ। इसके लिए मैंने लिया है मामा अर्थ का उपटन मास्क, ये मैंने लिया, ये मैंने यूज नहीं किया है अभी, पहले मैं इसको यूज करूंगी, इसका जो कवर था वो मेरे सैंडी आते आते ही फाड़ दिया, मतलब प्रोडक्ट खोल मैं क्या खोलूंगी वो लोग पहले खोल देते हैं, फाड़ दिया, और ये अभी तक मैंने एक बार भी यूज नहीं किया हुआ है, एकदम न्यू सील पैक है, देखो आप देख रहे हो। अभी मैं सोच रही हूँ इसको यूज करूँ, क्योंकि थोड़ी स्किन में मुझे यू नो डलनेस दिख रही है, तो मैं ये यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का
उपटन फेस मास्क, लेट्स सी मुझे सूट करता है कि नहीं। और साथ ही साथ विंटर में स्किन केयर मैंने अपना चेंज किया हुआ है, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है ये प्लम का टोनर। एक टोनर मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया, ये मैंने फिर से लिया हुआ है। तो ये लिया है मैंने प्लम का ग्रीन टी टोनर। ग्रीन टी मुझे सूट करता है और ग्रीन टी ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है, बट अगर आपके बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, लाइक बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह है, तो आप टी ट्री का ले सकते हो, अदरवाइज आप ग्रीन टी का ही ले सकते हो, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है टोनर, ये हो गया प्लम का टोनर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप स्किन केयर के कोई प्रोडक्ट यूज करो तो एक ही रेंज में यूज करो। और यहीं पर मैंने लिया हुआ है ग्रीन टी का ही नाइट जेल, क्योंकि मुझे चिपचिपापन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने लिया हुआ है नाइट जेल ये वाला। और इसको मैं यूज कर रही हूँ ऑलरेडी, बहुत अच्छा है। लाइक आपका स्किन ना हाइड्रेट तो हो ही जाता है, साथ ही साथ ना एक अलग सा ग्लो दिखता है फेस में। ओके अब इसके बाद मैंने लिया हुआ है डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम, डे के लिए मैंने लिया हुआ है प्लम का ही। और इसको ये वाला भी आप थोड़ा यूज करोगे ना तो आपको अपने फेस में ना थोड़ा यू नो शिमरी इल्यूमिनेटिंग फेस लगेगा आपका, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा से एक अलग सा शाइन करता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिख तो रहा है, आप देख रहे हो एक अलग सा शाइन आ जाता है फेस में और काफी देर ये मॉइस्चराइजर आपके फेस में टिकता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट था मेरा ये वाला मॉइस्चराइजर, प्लम का मॉइस्चराइजर। ओके अब जैसा कि अब ये सब कर रही हूँ, डे क्रीम यूज कर रही हूँ, टोनर यूज कर रही हूँ, नाइट क्रीम यूज कर रही हूँ, तो फेस वॉश तो यूज करना ही है। अगेन ग्रीन टी का ही मैंने लिया हुआ है फेस वॉश ग्रीन टी का। तो ये पूरा रेंज मैं अभी यूज कर रही हूँ विंटर में, मुझे काफी अच्छे से सूट भी कर रही है, लगभग एक महीने से मैं यूज कर रही हूँ, खत्म हो गया, ये दूसरा मैंने मंगाया हुआ है, ये मुझे अच्छे से सूट कर रही है। और यू नो वेदर के हिसाब से आपको आपकी स्किन केयर चेंज करनी पड़ती है। अब आप विंटर में कुछ ड्राई नहीं यूज करोगे, ठीक है, सिमर में इतना रॉन्ग बोल रही हूँ, समर में आप कुछ ऑयली यूज नहीं करोगे, तो विंटर में मेरा स्किन केयर यही चलने वाला है। तो सोचा मैंने ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यही था, और प्रोडक्ट के लिंक आप देख लेना, चेक कर लेना, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। वैसे प्लम का ग्रीन टी का ऑल स्किन टाइप है, तो कोई भी एज के हो आप ले सकते हो, या कोई भी स्किन टाइप के हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।